पत्रकारों को मिला सुप्रीम कोर्ट का साथ, यूपी सरकार को लगी फटकार, बोलने की आज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। किसी भी देश में बोलने, लिखने और अपने विचार पेश करने की आजादी होती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के पास ये ताकत होती है कि वो सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करे और गलत नीतियों की आलोचना भी कर सके। लेकिन शायद भारत में मोदी सरकार नहीं चाहती कि पत्रकार की कलम सरकार के किसी भी काम को लिखे और पेपर तक उतारे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पत्रकारों के साथ खड़ा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक मामले में सुनवाई के दौरान टिप्पणी करना पत्रकारों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं, इसके बाद इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कहा, पत्रकारों के खिलाफ सिर्फ इसलिए आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उनके लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। जस्टिस हरिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में विचार व्यक्त करने की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत पत्रकारों के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। दरअसल पीठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है। ये एफआईआर राज्य में सामान्य प्रशासन के जातिगत झुकाव पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई थी। याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा, इस बीच विषयगत लेख के संबंध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने एफआईआर को पढ़कर कहा है कि उक्त एफआईआर से कोई अपराध पता नहीं चलता। याचिकाकर्ता अभिषेक उपाध्याय ने आरोप लगाया था कि उनके विरुद्ध एफआईआर राज्य के कानून प्रवर्तन तंत्र के दुरुपयोग का प्रयास है ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके, लिहाजा और उत्पीड़न रोकने के लिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी के जरिए दायर याचिका में उन्होंने दावा किया कि यादव राज बनाम ठाकुर राज शीर्षक वाली रिपोर्ट के बाद 20 सितम्बर को उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने एक सोशल मीडिया पर लिखा, जो सहा वो भी और जो किया वो भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब मेरा कहा। इस वजह से कि पत्रकार की कलम सरकार की आलोचना करती है, उस पर क्रिमिनल केस मत ला दिए। मेरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़िए, ये आदेश हम जैसों के लिए अनमोल पूंजी की तरह है। सीएम योगी आदित्यनाथ को ईश्वर बताकर मेरे खिलाफ की गई एफआईआर में मुझे प्रोटेक्शन देते हुए और स्टेट को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान होना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में पत्रकारों के अधिकारों का संरक्षण किया गया है। केवल इसलिए कि किसी पत्रकार की लेखनी को सरकार की आलोचना समझा जाए, उस पर क्रिमिनल केस नहीं लाद दिए जाने चाहिए। यूपी सरकार को मिले इस नोटिस से केंद्र सरकार को भी अक्ल आ जानी चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है, क्या पत्रकार पर जो फैसला दिया गया वो उचित है या फिर नहीं, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। We'll be right back.